अस्सलामुअलैकुम, ये है खबर की दुनिया और मैं हूं जिशान बशीर। नजर डालेंगे दुनिया हेडलाइंस पर। जिमनी इलेक्शन के लिए मैदान कल सजेगा। इंतखाबी मुहिम के आखिरी रोज सियासी जमातों की भरपूर गहमा गहमी। कई हलकों में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। कराची के पोलिंग स्टेशन में फौज तैनात। इमरान खान इंतखाबी धांधली के खिलाफ आज व्हाइट पेपर जारी करेंगे। कहते हैं जो 11 मई को हुआ वही 22 अगस्त को दोहराया गया तो अच्छा नहीं होगा। वजारत दाखिला की तहकीकती कमेटी ने इस्लामाबाद वाकये की हतमी रिपोर्ट मुरतब कर ली। चौथे निसार की कभी हां और कभी ना ने ड्रामे को मजीद उलझा दिया। बलोचिस्तान काबीना की तश्कील का मामला 3 माह बाद तय पा गया। नवाज लीग को 6 पश्तूनख्वा मिले अवामी पार्टी और नेशनल पार्टी को 4-4 वजारतें मिलेंगी। पीपल्स पार्टी ने जुल्फिकार भुट्टो सदारती रेफरेंस में फरीक बनने का फैसला कर लिया। पार्टी के सेक्रेटरी जनरल लतीफ खोसा दरख्वास्त दायर करेंगे। ग्रीन टाउन लाहौर में अलकायदा का इंटरनेशनल टेक्निकल सेंटर पकड़ा गया। 2 दहशतगर्द गिरफ्तार, 3 फरार। अहम सियासी शख्सियत या उनके बेटे के अगवा का मंसूबा बना रखा था। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान मिसबाह उल हक वतन वापस पहुंच गए। कहते हैं मुल्क में इंटरनेशनल क्रिकेट की वापसी के लिए लीग क्रिकेट जरूरी है। और फुटबॉल वर्ल्ड कप 2014, सिर्फ 7 घंटों में 10 लाख से ज्यादा शायकीन ने टिकटें खरीदने के लिए फीफा को दरख्वास्त दी। हेडलाइंस आपने जानी। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट दुनिया न्यूज़.tv।